हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू पार्क, अलग अलग दिल्ली एनसीआर के स्पॉट से हम लगातार आपको फिटनेस का संदेश दे रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि फिटनेस आज बेहद जरूरी है हर इंसान के लिए। तो फिटनेस के साथ साथ ये भी जरूरी है कि खबरों से भी आप अपडेटेड रहे, इसलिए हर रोज आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हम रोज आते हैं आपके लिए। और नेहरू पार्क से आज बताएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेठी रायबरेली पर। आज कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस टूटने वाला है, क्योंकि अमेठी रायबरेली से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी मची हुई है। अमेठी में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अब गांधी परिवार की चुप्पी टूटती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिसका सस्पेंस खत्म होने वाला है, दिल्ली से अमेठी तक कांग्रेस कैंप में बड़ी हलचल है। क्या आज अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा? क्या कांग्रेस आज रायबरेली से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि नामांकन की आखिरी घड़ी करीब आ चुकी है, इसमें अब सिर्फ 34 घंटे बचे हैं। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर जारी सस्पेंस के बीच पार्टी ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक आज उन दोनों नाम का ऐलान हो जाएगा जिनको अमेठी और रायबरेली से नामांकन करना है। तो सवाल है कि क्या वो राहुल गांधी होंगे? गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय, पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सुना आपने, राजीव शुक्ला ने गांधी फैमिली का गुणगान तो किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। खैर, ये कमी पूरी कर दी है कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिसका पूरी अमेठी इंतजार कर रही है, भाजपाई से लेकर सपाई तक, कांग्रेसी से लेकर हर वर्ग के, चाहे शिक्षक हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, भाजपा सरकार से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे भाजपा में क्यों हो, सब के सब गांधी परिवार का इंतजार कर रहे हैं हम सब। 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी अमेठी से करेंगे नामांकन। कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट जाकर होगा नामांकन। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर पूरी हो चुकी है तैयारी। यूपी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन फैसला गांधी परिवार को ही करना है और नामांकन कल यानी 3 मई तक होनी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज दोपहर तक कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। अमेठी रायबरेली में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है। सियासत महाराष्ट्र तक गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के सांगली में मौजूद थे और वहां अमेठी को लेकर उन्होंने तंज कसा। तो अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस देर कर रही है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर के, उस पर योगी आदित्यनाथ इस कदर हमलावर हुए कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव को छोड़ करके इटली चले जाने की सलाह दे दी है। देखिए अभी खबर। आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। बहनों और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो कहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं, जाओ ना इटली में ही रहो। अमेठी में चुनावी चैलेंज कबूल करने में देर कर रहे राहुल को सीएम योगी महाराष्ट्र में इस कदर घेरेंगे, इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस को भी नहीं थी। लेकिन सांगली में योगी ने चुनावी सभा में बोलना शुरू किया तो राहुल और कांग्रेस को रणछोड़ बता दिया। सांगली में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर योगी ने चुनावी हुंकार भरी और लगे हाथ दावा कर डाला कि चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास बनने वाली है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में
403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। योगी का महाराष्ट्र में एक दिन का चुनावी दौरा था, जिसमें उन्होंने सांगली के अलावा सोलापुर और हाथकड़ंगले में भी चुनावी सभा की। इधर समाजवादी पार्टी के गढ़ीटावा में जब चुनाव प्रचार के दरमियान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे तो शिवपाल यादव की जुबान ऐसी फिसली कि अखिलेश यादव भी चौंक गए। अखिलेश यादव दरअसल भाषण में बीजेपी के खिलाफ जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन शिवपाल की जब बारी आई तो उन्होंने बीजेपी को ही वोट देने की अपील कर दी। ये हुआ कैसे, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। प्रसाद को चूर्ण समझते हैं बताओ, ये हमारे मुख्यमंत्री आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में अखिलेश चुनावी सभा करने पहुंचे तो उन्होंने सीएम योगी के चूरन वाले बयान पर चुटकी लेने की कोशिश की। अखिलेश ने यह भी कहा कि चाचा शिवपाल ने बीजेपी का इलाज करने की ठान ली है, तो उनकी सभा में जमकर तालियां बजी। लेकिन जब बारी शिवपाल के भाषण देने की आई तो एक बार की अखिलेश सन्नाटे में आ गए। शिवपाल मंच से बोल गए कि बीजेपी को बड़े मार्जिन से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। शिवपाल ने फिसलती जुबान वक्त रहते संभाल ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीजेपी वालों को इस बार ऐसा इंजेक्शन लगाना कि इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। शिवपाल के इंजेक्शन वाले बयान पर योगी का पलटवार आज आने ही वाला है, क्योंकि योगी आज सपा के गढ़ मैनपुरी में रोड शो करने वाले हैं। साथ ही 2 शहरों से आग के कहर की तस्वीरें सामने आई है, जहां रुड़की और लखनऊ से आई आग की घटनाओं में लाखों का नुकसान पहुंचा है। लखनऊ में आग लगने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप क्यों मचा, वजह क्या रही इसके पीछे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुकान और सारा सामान आग से धधक रहा है, आग की लपटों में जलकर सब खाक हो गया है। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आग के तांडव की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई हैं, जहां आग एक दुकान में लगी और देखते ही देखते आग ने आसपास के सभी सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आनन फानन में मौके पर दमकल की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में अचानक आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो सका है। आग की दूसरी घटना यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां महिला कैदियों को ले जा रहे पुलिस वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस वैन में लगी आग की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयावह थी। गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। जैसे ही हादसा हुआ मौके पर दहशत फैल गई। आग गाड़ी के अगले हिस्से में लगी और कुछ ही देर में पूरी वैन को अपनी आगोश में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर और ज्यादा पुलिस बल पहुंचा और वैन में मौजूद महिला कैदियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। आनन फानन में आग की सूचना दमकल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद फायर फाइटर्स के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। और चलिए खबर गुजरात से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य जब पहुंचे थे तो वहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, खासकर फेक वीडियो मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री गुजरात की जो 26 में से 13 लोकसभा सीटें हैं उसे इसी दौरे के दौरान कवर कर रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में पीएम मोदी चुनावी सभा करने पहुंचे तो उनकी जुबान पर डीप फेक वीडियो कांड को लेकर गुस्सा था। विपक्ष के लिए ललकार थी, हिम्मत है तो सामने से वार करो। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा।
पीएम मोदी जिस वक्त बनासकांठा में कांग्रेस को घेर रहे थे, कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सभा चल रही थी, जिसमें खड़गे ने कहा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उन्होंने सबका साथ तो लिया लेकिन सबको बर्बाद और सबका सत्यानाश कर दिया है। खड़गे के वार पर पलटवार बनासकांठा से हुआ। अभी चुनाव के दो चरण पूरे हुए हैं, पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है, राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं। बनासकांठा में पीएम मोदी को सुनने लाखों की भीड़ उमड़ी थी। उनकी रैली के बाद लोग ये कहते सुनाई दिए कि मोदी का अपमान करने वालों को इस बार भी गुजरात से कुछ नहीं मिलने वाला है। गुजरात में 26 की 26 फिर मोदी चाहिए, मोदी आएंगे, एक तो आ गई है, 25 की 25 क्या आ जाएगी। कर्नाटक के धारवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो महिला सुरक्षा से लेकर महिला अस्मिता तक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। अमित शाह ने एक और रेवन्ना सीडी कांड पर हमला बोला, दूसरी तरफ नेहा की भी याद दिलाई। जी हाँ, नेहा हत्याकांड आपको याद दिला दे, 18 अप्रैल को कॉलेज छात्रा नेहा की कॉलेज में ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। ये खबर पूरे देश में सुर्खियां बनी थी, उसकी याद अमित शाह दिला रहे थे। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने में लगे अमित शाह कर्नाटक के धारवाड़ पहुंचे तो उनकी जुबान पर रेवन्ना सेक्स सीडी कांड वाला वो मुद्दा था जिसने कर्नाटक समेत पूरे देश को हिला दिया है। अभी हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। रेवन्ना कांड पर कांग्रेस बीजेपी को यह कहकर घेर रही थी कि रेवन्ना की पार्टी जेडीएस एनडीए का हिस्सा है, लेकिन शाह ने इस पर कर्नाटक सरकार की ही खाट खड़ी कर दी। सवाल कर दिया कि रेवन्ना पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अमित शाह ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी कर्नाटक सरकार को घेरा। 18 अप्रैल को नेहा हिरेमठ की हत्या हुई, किसकी जिम्मेदारी है भाइयों बहनों, बताओ आप किसके जिम्मेदारी है? और ये कह रहे व्यक्तिगत मामला है, क्या बच्ची बन ठन कर कैंपर्स में नहीं जाएगी? आप सुरक्षा नहीं करोगे, इसकी हत्या कर दी जाएगी? अरे नहीं बन पड़ता है तो छोड़ दो, हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को नेहा हिरेमठ के परिवार से भी जाकर मिले और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। शाह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हैदराबाद में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसको लेकर सियासी पारा गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हुए हुए, इस बार तो चीन की एंट्री करा दी है उन्होंने। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चीनी घुसपैठ का मामला उठाया। इसके अलावा संविधान को एक बार फिर से खतरे में बताया उन्होंने अपने इस बयान के दरमियान, और उन्होंने क्या कुछ कहा सबको सुनवा देते हैं आपको। अरबी 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरएसएस चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके रख दिया जाए। अगर संविधान को नहीं खत्म करे तो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। हमारे दलित भाई बहनों को और बाबा साहेब अंबेडकर से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि 400 पार का मतलब यह है कि दलितों से आरक्षण रिजर्वेशन छीन लिया जाए। आप बताइए फिर क्या होगा? 56 इंच का सीना है चीन का, नाम जबान पे नहीं आता नरेंद्र मोदी के, चीन को निकालने का नाम नहीं लेते। हम ऐसा कर क्या कर रहे हैं? चीन कब्जा करके बैठा है 5-4 साल से, चीन कब्जा करके बैठा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ बातचीत हो रही है। 18 राउंड की बातचीत चीन सुनने तैयार नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर का चीन सामान भारत को इंपोर्ट कर रहा है हमारी जमीन पर कब्जा करके। ये देश का हाल है, महंगाई आसमानों को छू रही है। पहले नौजवान नौकरी के लिए अप्लाई करता था, अब तो वो भी नहीं कर रहा है। मर्ज उसको काम पे लगा दिया, आप झगड़ा करो उसको काम पे लगा दिए, नारे मारो, मॉब लिंचिंग पे चले जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 13 मई के दिन अपना एक एक वोट एक वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी जो है वो कांग्रेस को अब घेर रही है। दरअसल इस वीडियो में अधीर रंजन चौधरी जो है वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी से अच्छा है बीजेपी को वोट देना। और देखिए कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ने में थोड़ी देर कर दी और ममता बनर्जी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। तृणमूल के वोट का माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया। तृणमूल के वोट का माने तब तक वाले बीजेपी के वोट दे दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर डाला तो कांग्रेस की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई। इस वीडियो से बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के सियासी खटपट खुलकर सामने आ गई। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि अधीर रंजन चौधरी पक्के तौर पर जानते हैं कि बंगाल में ममता राज में हालत कितनी खराब है। वो अपने राज्य की बेहतरी की दुआ मांग रहे हैं। सफाई देने की बारी आई तो कांग्रेस ने पहले तो इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। अधीर रंजन जी ने जो कहा है जिस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारा मकसद बीजेपी की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में उसको भारी मात्रा से हमको घटाना ही होगा। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो मुर्शिदाबाद की चुनावी सभा का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा अगर आप कांग्रेस और सीपीएम को वोट देंगे मतलब आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी की दो आंखें हैं।